अदालत में मेरे खिलाफ झूठी गवाही देता है साले। तेरे जैसे बदमाशों से तो मैं रोज निपटती हूँ। सीएम का मर्डर मैंने किया था? नहीं। किसने किया था बता, किसने किया था? अगर बताऊंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी। बता बता। भवानी प्रसाद ने करवाया। चल यही बात तुझे अदालत में कन्फेस करनी होगी। चल खबरदार कोई आगे बढ़ा तो। मूव मूव। जब से तू इस जेल में आया हुए हमेशा कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई हंगामा, और आज तो तूने हद कर दी। पुलिस वाले पे हाथ उठा दिया हुए। मैं अपना हाथ दो ही वक्त उठाता हूं, दुआ के लिए जो मेरा ईमान है, और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो मेरा इश्क है। और इश्क करने से आप क्या जमाना भी किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन कानून तुझे रोकेगा और तेरे इश्क की तुझे कड़ी से कड़ी सजा भी देगा। साडा ना जेल ललकार सिंह है, जुल्म की ऐसी आग बरसाऊंगा कि जलकर धुआं हो जाएगा। ओए ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेरी बात मानिए, एक गिलास ठंडा पानी मंगवा कर पी लीजिए। मेरी बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश न कर, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूं। और अपने इश्क को काबू में रख, नहीं तो मैं तेरे जेल का रिकॉर्ड खराब करके तेरी सजा दुगनी करवा देंगा। ओए तू तो हर रोज मेरी सजा खत्म होने की दुआ करता है, मेरे यहां से जाने के बाद मेरे यहां ना आने की दुआ करता है। सजा क्या दुगनी करेगा? अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो मैं तेरा नामो निशान मिटा देंगा। ओए मेरा मुहाफिज है खुदा, तो फिर है कौन जो मुझको उठा सके? तेरी क्या औकात है जो जहां से मुझे मिटा सके? खुदा हाफिज। हुसैन भाई, तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मैं उसे मिलना चाहता हूं। तू कोई डॉक्टर तो है नहीं जो उसे अच्छा कर देगा? फिर मिलने से क्या फायदा हुए? ललकार सिंह जी, मेरी बहन मुझे देखते ही ठीक हो जाएगी, मुझे जाने दीजिए। क्यों, तेरी गरजती हुई आवाज क्यों कांपने लगी? हाँ अब तो तू गिड़गड़ाएगा, हाथ पैर भी जोड़ेगा।
मेरे तलवे भी चटेंगा ओए, फिर भी मैं तेनू बाहर नहीं जान देंगा। चिलर साहब, चिलर साहब, वो मेरी बहन है, अगर कहीं उसे ओ तू कुछ भी कर ले, मैं तेनू बाहर नहीं जान देना। चिलर साहब, आप बेशक मेरे साथ दो कांस्टेबल भेज दीजिए। मैं दो नहीं चार भेजूंगा तेरी बहन का जनाजा उठाने के लिए। सर, जब से जेल में आया है हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जेल और जेलर को खिलौना समझता है। खिलौना तो अब इसकी जिंदगी बनेगी। इसी के खून के साथ इसकी दास्तान लिखूंगा। ऐसा सलूक करूंगा कि ये फिर किसी जेलर के साथ पंगा नहीं लेगा। ओए दाएं से शुरू करूं या बाएं से? चमड़ी खींच लो इस पानी की।